मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कुशवाहा समाज के सम्मेलन में शामिल होने सागर पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री के सागर आने से पहले पुलिस ने कई कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया, तो वहीं कई संगठन के लोग शिवराज सिंह चौहान से मिलने हेलीपैड स्थित उन्हें ज्ञापन देने पहुंच गए। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सागर आगमन पर शिवसेना के प्रमुख पप्पू तिवारी भी शिवराज सिंह चौहान से मिले और उन्होंने सागर के नौजवान युवकों के रोजगार के बारे में उनसे बात की। शिवसेना के प्रमुख तिवारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर उनके साथ छलावा कर रही है। अगर सरकार अब भी युवाओं के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए खिलौना पकड़ाया है, खुनखुना पकड़ाया है, खुनखुना झूठ बोलने का खुनखुना। उन्होंने हर मंच पर चिल्ला के कहते कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। शिक्षा और जो पढ़ाई है वह बहुत महंगी हो गई। एक मजदूर का बेटा अपने बेटे को कैसे पोस्ट ग्रेजुएट कराए, यह एक चिंता का विषय है। आगामी समय में कर्नाटक में जिसका सरकार बनी है कांग्रेस की, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन होगी? बिल्कुल, जब 19 साल में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सागर जिले में कोई फैक्ट्री नहीं खोली गई, युवाओं को रोजगार के लिए कोई संसाधन नहीं जुटाए गए, यहाँ तक कि सागर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करीब 5 साल से शहर की उपनगरीय मकरोनिया की, सागर शहर की पूरी सड़कें खस्ताहाल में हैं। और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने 12 बसें सागर में लागू कर दी और 3000 ऑटो चालकों को बेरोजगार कर दिया। ऑटो चालक ऑटो चलाने से अपने परिवार के बच्चों की फीस भरते थे, रोटी उपलब्ध कराते थे, लेकिन बसें चल जाने से 2000 से अधिक ऑटो चालक बेरोजगार। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड, भागुदय अस्पताल के पास, सागर।